आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज लूसिनिया ल्यूकोसफेला की बात करेंगे। फैबेसी कुल का प्लांट है, सुंदर फली इसकी आप देख रहे हैं, और ये एक फली मैंने तोड़ ली है। इसके हमने बीज निकाल लिए हैं। इस बीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स और कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, और ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं। बचपन में हम भी खूब इसका सेवन करते थे। पेट की कई बीमारियों को ठीक करता है, पेट में अगर कीड़े हों उनको दूर भगाता है, और लीवर की समस्याओं को दूर करते हुए भूख बढ़ाने का भी कार्य करता है। मित्रों, ब्लड के प्यूरिफिकेशन में भी इसका रोल होता है। पुराने से पुराने अगर कॉन्स्टिपेशन हो उसको भी ठीक कर देता है। इंटेस्टाइन की स्मूथनेस को बढ़ाने का भी कार्य करता है। काफ़ी अच्छे इसके उपयोग हैं। फैबेसी कुल का ही प्लांट है। इसके पत्र का जूस आप बनाकर पियेंगे तो मूत्रल का कार्य करता है, किडनी डिसऑर्डर्स को ठीक करने का कार्य करता है। एंटी यूरोलिथेटिक इसका इफेक्ट होता है। साथियों, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का भी कार्य करता है। पित्त की समस्या हो उसको भी ठीक करते हुए हॉर्मोनल डिसरेगुलेशन को ठीक करता है। मेंस्ट्रुएशन के समय जो क्रैम्प्स होते हैं उनको ठीक करता है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करते हुए स्मूथ मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है। फीमेल फर्टिलिटी को बढ़ाने में भी विशेष सहायक होता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जब ठीक हो जाते हैं तो फर्टिलिटी को भी मेंटेन करने में सहायक होते हैं। साथियों, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल इसकी एक्टिविटी होती है। इसके बीज का आप पेस्ट बनाकर उपयोग करते हैं तो वो घाव भरने में भी विशेष सहायक होता है। समस्त प्लांट का औषधीय गुणों के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का ये कार्य करता है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर आप सेवन करते हैं तो शरीर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रॉपर रखने का कार्य करता है। ल्यूसिनिया ल्यूकोसफेला रोड साइड आसानी से आप देख पा रहे होंगे, देखते होंगे, लेकिन आपको इसकी जानकारी ना होने के कारण हम इसको उपयोग में नहीं ला पाते हैं। मित्रों, इसके पत्रों का पेस्ट बनाकर आप अप्लाई करते हैं तो स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने का कार्य करता है। मित्रों, एंटी कैंसर एक्टिविटी भी इसकी होती है। एपोपिटोसिस के मैकेनिज्म को ये इंड्यूस करता है। इसमें ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस के कारण कैंसर सेल्स के बढ़ने की जो संभावना होती है उसको कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हुए नेचुरल एपोपिटोसिस के मैकेनिज्म को बढ़ाता है, जिसके कारण एंटी कैंसर एक्टिविटी इसकी होती है। पशुओं में दुग्ध वर्धन के लिए, अच्छा पोषण देने के लिए आप इसकी फली और चारे के रूप में इसका सेवन करा सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो प्लांट होता है, इसका जो ट्री होता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का कार्य करता है और सॉइल इरोजन से बचाने का भी कार्य करता है। इसकी दैनिक जीवन के साथ साथ हमारी क्वालिटी लाइफ देने में भी विशेष भूमिका होती है। ऑर्गेनिक कल्टिवेशन के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए। मित्रों, ग्रीन मैन्योर का ये कार्य करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए विशेष उपयोगी है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। इसकी जो फली आप देख रहे हैं मित्रों, ये पशुओं में दुग्ध वर्धन के लिए, उनके पोषण को देने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ इसके जो बीज होता है, बीज के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। नेचुरल बाइंडर के रूप में भी, फार्मास्यूटिकल एड के रूप में आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसके बीज में बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो टैबलेट्स कैप्सूल के बाइंडिंग के लिए, टैबलेट की बाइंडिंग के लिए आप उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ इसका पेस्ट बनाकर और इसका एक्सट्रैक्ट आप इमल्सिफायर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल हर्बल क्रीम्स को तैयार करने के लिए इमल्सिफायर की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, इस ट्री को आप देख पा रहे हैं कितनी स्लोप की कंडीशन में ये लगा हुआ है, क्योंकि इसका पोटेंशियल होता है सोइल इरोजन को चेक करने के लिए। आप बहती हुई मृदा, बहती हुई मिट्टी, इसके इरोजन को रोकने के लिए आप इसको स्लोप साइड पे लगा सकते हैं, और कटाव को रोकने के लिए जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये कटाव को रोकते हुए कितने गहरे स्लोप पे लगा हुआ है और कितने स्टेबल कंडीशन में ये खड़ा है, तो इसका जो रूट सिस्टम होता है काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है, आसानी से मृदा की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को प्रमोट करने का, आपके एनिमल्स और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप इसको देख लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। इसकी पॉड का उपयोग कीजिए, पत्र का जूस का उपयोग कीजिए, इसकी छाल का उपयोग कीजिए,
आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए, आपके ब्लड के प्योरिफिकेशन के लिए, लीवर की टॉक्सिसिटी को दूर करने के लिए नेचुरल फार्मास्यूटिकल एड है, इमल्सीफायर का कार्य करता है, बाइंडर का कार्य करता है, कई प्रकार से इफेक्टिव है। पत्र का जूस लेग्जेटिव का कार्य करता है। बीज भी खाने में आप उपयोग करेंगे टेस्ट लगते हैं। प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स इसके बीज के अंदर पाए जाते हैं, और उसके खाने के बाद अगर आप पानी पियेंगे तो मीठा मीठा आपको लगेगा। बचपन हमने भी बहुत खाया था। पेट की कई बीमारियों को ठीक करता है। लीवर टॉनिक का भी कार्य करता है। मित्रों, मेंटेनेंस का कोई खर्चा भी नहीं है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ठीक करता है। काफ़ी अच्छे इसके उपयोग हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट के माध्यम से, टेलीफोन करके या ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नित्य सुबह 6:30 बजे आने वाली जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। स्टे हेल्दी, स्टे यंग विद नेचुरल प्लांट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर योर हेल्थ अपडेट्स। प्रणाम, नमस्कार।